जुड़ते रहते हैं। आप देखिए कि एक नया नाम हाल ही कुछ दिनों में जो है वो जुड़ा है, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो हैं वो जैसे खोज खोज को समस्या बिहार में से निकाल रहे हैं, और जैसे खोज खोज के कहा जाए पेच बिहार की राजनीति में निकाल रहे हैं। इससे तो यही साफ हो रहा था पहले से ही कि बिहार की राजनीति में ज़रूर वो कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएंगे और कुछ ना कुछ जो है वो तहलका लेकर आएंगे। लेकिन अब वो खुलकर सबके सामने आ गए, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई अब जो है हम चुनाव लड़ेंगे, अब बढ़िया से लड़ेंगे, सारा जो मुद्दा है ना बिहार का उन सब पर लड़ेंगे और बिहार में एक परिवर्तन लेकर आएंगे। बहुत तरह का बात करते हैं, बहुत सारे परिवर्तन का बात करते हैं, लेकिन भाई हमारी जनता जो है वो सब जानती है वो किसके बात पर विश्वास करती है और किसके बात को नकार देती है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए चलते हैं बिहार की जनता के बीच में, आज जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई परिवर्तन की बात तो करते हैं लेकिन प्रभाव कितना डाल पाएंगे प्रशांत किशोर बिहार पर, आइए जानते हैं। तो देखिए कि राजनीति में तो प्रशांत किशोर का नाम अभी अभी जो है वो सामने आया है, एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज इस मामले में कहेंगे कि अब जो है खुले तौर पे दिख रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जो है वो पूरी तरह से दिखेंगे, लेकिन उनका प्रभाव राजनीति पर बहुत लंबे समय से पड़ रहा है। भैया राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर बहुत दिन से कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार पर उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? अभी बिहार में 2-3 पार्टी का ही प्रभाव आने वाले विगत 29 में भी रहेगा और उसके आगे भी रहेगा। आरजेडी है जो आरजेडी अपने आप को बांध के रखे हुए कि मैं यादवों का पार्टी हूँ। एक जेडीयू वो भी मतलब एक यादव या यादव मुसलमान ये सबको मिला के एक पार्टी बनाए हुए। एक भाजपा है, भाजपा का एक ही प्रचार एजेंडा होता है कि मैं सनातनियों को सुरक्षा दूं, भारत को सुरक्षा रखूं और विश्व प्रगति मतलब अपना लेकिन अपना जो है कैटेगरी बना रखा है। लेकिन प्रशांत किशोर का अभी एक ही चीज आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आया है कि मैं दारू बिहार में वापस लाऊंगा। फिर घर में बच्चे पियेंगे और माँ से लड़के और पैसा लेके फिर दारू पीने जाएंगे, घर बंदी के रखेंगे, जमीन बंदी के रहेंगे और एक दूसरे के घर में डेली कलेश उत्पन्न होगा दारू के लिए। पहला शिक्षा पर बात उन्होंने किया, बहुत अच्छा बात किया, मैं आई सेपरेट हूँ कहीं शिक्षा पर अच्छा बात की चीज़ है। लेकिन और दूसरा बात है, दूध लोग कहते हैं कि ये करेंगे, अरे करेंगे कहाँ से, पहले बिहार में फैक्ट्री तो लगा दो। जितने भी लोग छोटे बड़े बुजुर्ग हैं जो आज दारू के स्मैक के पीछे पड़े वो नहीं होना चाहिए। मैं गुजरात को पहला ब्रांड मानता हूँ कि दारू बंद है तो बंद है, हाँ पीते हैं सब जगह मिलते हैं ये चीज़ है, लेकिन दारू का पहला बोला कि दारू मैं खुलवाऊंगा ये गलत है। क्या लगता है भैया बिहार पर कितना प्रभाव डाल पाएंगे प्रशांत किशोर? हमारे मित्र अभी जो बोले इसी बात का हमने समर्थन किया और अभी उनको थोड़ा समय लगेगा, है ना, थोड़ा और तैयारी करेंगे। हाँ तैयारी करेंगे और गांव-गांव घूमेंगे और अपना घूम तो बहुत दिन से रहे हैं, लगातार जो है सुनते हैं हम लोग की सभा लगाते हैं पूरा डेढ़ मतलब घूम रहे हैं लेकिन वैसा वर्क नहीं हो रहा है। उनका उनका पार्टी जो है संगठन अभी रास्ते पर नहीं है, गाड़ी से सिर्फ गाड़ी से घूम रहा है, उनको थोड़ा समय लगेगा। और हमारे मित्र जो बात कहा वो सही बात कहा, अभी सभी जनता का यही मांग है और दारू के विषय में जहाँ तक उसे युवा बर्बाद हो रहा है। और अच्छा देखिए कि अभी जो है वो नीतीश कुमार हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बस तेजस्वी यादव हमेशा बिहार में चलते रहता है, बीच में कभी कभी बीजेपी का भी जो है वो मेल जोल चलते रहता है। अभी एक नया नाम प्रशांत किशोर आया है, प्रशांत किशोर बिहार के लिए नए हैं ये तो बात अलग है, लेकिन बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएगी बिहार के विकास के लिए? मतलब जाति से ऊपर उठकर सोचने वाला पार्टी की जरूरत आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पार्टी बनने से नहीं होगा, लोग के दिमाग चेंज करना होगा कि नेता के विकास के नाम पर वोट देना चालू करें। लोग यहाँ जात के आधार पर वोट देते हैं, कोई तो एक विकल्प बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरा डर ये भी है कि कहीं दूसरा केजरीवाल जी ना बन के आ जाए कहीं। लोग सही बात बोल रहे हैं कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो केजरीवाल बन के रह जाएंगे। बोलने के पहले केजरीवाल जी तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, अन्ना हजारे के बगल में बैठे, लोग विश्वास भी किया, लेकिन रियल भी देख रहा है लोग, लगता था कि आंदोलन लेकर आएंगे एक नया, तो सारा देश देख लिया उसका क्या हाल है। अब प्रशांत किशोर भी अच्छा है, बिहार के लिए जरूरत है कि बिहार के युवाओं के रोजगार की बात करें, यहाँ जो पलायन के रोकने की बात करें, लेकिन खाली कहने से नहीं ना होगा, उसका विकल्प देना भी पड़ेगा। जन सुराज अपनी आवाज जन जन तक पहुँचाएगा, बापू के सपनों का भारत राम राज कहलाएगा। जनता में आक्रोश भरा है, भय भूख बेकारी है, जनता सबको देख चुकी, अब जन सुराज की बारी है।
जन सुराज जनता का हक अब जनता तक पहुंचाएगा, बापू के सपनों का भारत राम राज कहलाएगा। क्या बात है। स्मार्ट मीटर पर जंग लड़ी अब जनता आर पार के, स्मार्ट मीटर पर जंग लड़ी अब जनता आर पार के, ये मीटर अब ले डूबी डबल इंजन सरकार के। अरे बाप रे। बिहार में लूट बा, मीटरों में कलाई बा, एनडीए गठबंधन के भीतरे लड़ाई बा, जब से मीटर लागल बाटे आफत बा परिवार के, ये मीटर अब ले डूबी डबल इंजन सरकार के। प्रशांत किशोर इस कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।